आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हुआ है कि भौतिकी में प्रकृति के उन मूलभूत नियमों का अध्ययन किया जाता है जिन पर प्राकृतिक परिघटनाएं आधारित होती हैं। इसका मतलब क्या है कि भौतिकी में हम क्या करते हैं कि प्राकृतिक घटनाओं का ही अध्ययन करते हैं और उसी के आधार पर ही हम नियम देते हैं। ठीक है, तो हमें बताना है कि क्या यह कथन सत्य है अथवा असत्य है। तो यह कथन पूर्णतः सत्य है क्योंकि जो भौतिकी है वो विज्ञान की वह शाखा है जिसमें प्रकृति एवं प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है और उन्हीं प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करने के बाद नियम दिए जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए ही हम इसे क्या कहते हैं, मूलभूत भौतिकी, या हम कह सकते हैं मूलभूत विज्ञान भी कहते हैं भौतिकी को, क्योंकि जो भी भौतिकी में जो नियम दिए जाते हैं वो किसके आधार दिए जाते हैं, प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करने के बाद ही उनका नियम, उनके आधार पर नियम और सिद्धांतों को प्रतिपादित किया जाता है। सिद्धांतों को प्रतिपादित किया जाता है। तो अगर हम उदाहरण तौर पर देखना चाहें तो अगर हम छोटा सा एग्जांपल ले लें कि सूर्य पृथ्वी के चक्कर लगाता है या पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है, ये क्या है, एक प्राकृतिक घटना है। तो स्टार्टिंग में परिकल्पना ली गई कि जो पृथ्वी है वो सूर्य के चक्कर लगा रही है, पृथ्वी जो है वो सूर्य के चक्कर लगा रही, जबकि कुछ लोग कहते थे कि जो सूर्य है वो पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है। ठीक है, तो क्या हुआ, दोनों ही परिकल्पनाएं दी गई। तो जब दोनों ही घटनाओं का जब अध्ययन किया गया तब बाद में जो है ये प्रतिपादित किया गया, ये सिद्धांत, जो सूर्य है वो स्थिर रहता है जबकि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो ये क्या है, एक प्राकृतिक घटना ही है जिसका अध्ययन किसमें किया गया, जिसका अध्ययन भौतिकी के अंतर्गत किया गया। ठीक है, और एक मूल नियम निकला कि जो सूर्य है वो स्थिर रहता है जबकि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। ठीक है, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भौतिकी में प्रकृति के उन मूलभूत नियमों का अध्ययन किया जाता है जिन पर प्राकृतिक घटनाएं आधारित होती हैं। ठीक है, या हम कह सकते हैं कि भौतिकी विज्ञान की वह शाखा जिसमें प्रकृति एवं प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है और उनके आधार पर ही नियम और सिद्धांत प्रतिपादित किए जाते हैं। तो यह कथन पूर्णतः सत्य है, यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।